गाइस यार, अगर आप यार A15 जो नया आया वेरिएंट उसके अगर डिटेल्स देखने आए हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आए हो। तो आज इस वीडियो के अंदर यही बात करी जाएगी कि इसका प्राइस क्या होने वाला है, स्पेसिफिकेशन सभी कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। गाइस यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, एंड इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के ऊपर जाके फॉलो कर लो, एंड डिस्कॉर्ड का लिंक भी है, उसको भी सर्वर जाके ज्वाइन करो। तो फिर चलते हैं अपने वीडियो की ओर। नहीं जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हम अपने Amazon की डिस्प्ले के ऊपर आ चुके हैं। जो ये वाला लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दे दूंगा कि वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से परचेज भी कर सकते हो। चलो फिर बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। जो कि इसका नेम है वो आपको बताइए कि ASUS TUF Gaming A15 है, 2021 वाला वेरियंट है ये, जिसका डिस्प्ले साइज सेम होने वाला है जैसे कि पुराने वेरियंट्स आते थे 15.6 इंचज का, एंड फुल HD डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है इसका। एंड जो इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है वो है राइजन 750 800H, जो कि 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। इसका 16 MB का कैश है, कैश मेमोरी है उसकी, एंड 3.2 GHz की बेस स्पीड एंड 4.4 GHz की बूस्ट। जो कि इसमें ग्राफिक्स कार्ड है वो RTX 3060 है, 6 GB वाला वेरियंट, जो कि एक बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है अपने प्रोसेसर के हिसाब से, कि मतलब जो अपने को परफॉर्मेंस मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। मैं आपको TGB भी बता देता हूँ इस ग्राफिक्स कार्ड की, जो कि है 90 वॉट की, जिसके साथ 5 वॉट का डायनामिक बूस्ट है, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा होने वाला है जब हम गेमिंग के टाइम में, अपने को परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी इसमें, जो कि हर गेम में FPS अपने को काफ़ी अच्छे मिलेंगे। एंड जो कि रैम है इसके अंदर 16 GB लगी हुई है 3200 MHz वाली, एंड जो कि SSD है वो NVMe है M.2 वाली, जो कि 512 GB की है SSD। एंड इसके अंदर जो बैटरी है वो मैं आपको बता देता हूँ 90 वॉट आवर की लगी हुई है। एंड इन्होंने जो हार्ड डिस्क का स्लॉट होता है वो तो अभी इन्होंने रिमूव कर दिया क्योंकि बैटरी अच्छी लगी हुई है बड़ी वाली। तो फिर आप जो स्टोरेज है वो उसको इंक्रीज कर सकते हो, जो कि M.2 का एक एडिशनल स्लॉट दिया हुआ है इन्होंने। एंड मैं और आपको बताता हूँ, जो कि इसका कलर है वो ग्रेफाइट ब्लैक है जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। एंड अगर हम बॉडी में अगर चेंजेस देखें कि ऐसे फ्रंट से यहाँ पे तो कुछ इतने चेंजेस आए नहीं पिछले वाले वेरिएंट से। जो कि इसका बैक पैनल होता है डिस्प्ले का वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूव कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो लोगो है वो चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मैट्रिक्स आ गया देखने को, जो कि पहले वाले वेरिएंट्स में नहीं था। आप चेक कर सकते हो पहले वालों की फ़ोटो जाकर, उनके भी लिंक हैं जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपको पता होगा पहले जो RTX 2060 वाले वेरियंट आते थे इसके, उनमें अकेला ये साइड पे हीट सिंक ऐसे मतलब हीट वेंट्स हैं प्रेजेंट होते थे, इसमें भी प्रेजेंट है वैसे ही। जैसे कि ये भी आपको पता है कि हाई एंड मतलब है अपना लैपटॉप, इस स्पेक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। एंड पोर्ट्स आप देख ही सकते हैं कौन से, RJ45 दिया हुआ, HDMI, 2 USB, 3.0 के सी टाइप एंड हेडफोन जैक विद चार्जर पोर्ट, एंड नीचे से ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे पहले भी मिलता है अपने को देखने में, कि लेफ्ट एंड राइट स्पीकर लगे हुए हैं, ये सारा कुछ हनीकॉम वाला डिज़ाइन है। मैं और आपको बता देता हूँ, इन्होंने उसका डिस्प्ले का इतना मेंशन नहीं किया कि कितने परसेंट NTSC है, मेरे हिसाब से 45% NTSC होगा। एंड जो वाईफाई है वो 6 वाला प्रेजेंट है विद ब्लूटूथ 5.2 डुअल बैंड। एंड जो कि आपको बताइए कि इसमें मिलिट्री ग्रेड इस लैपटॉप ने पास किए हुए हैं तो काफ़ी अच्छे। एंड जो कि इसका कीबोर्ड है वो RGB वाला, कि आप जैसे पहले वाले वेरियंट्स में मिलता था अपने को देखने में, कि वही चीज़ है, मतलब ये वाला लैपटॉप आप ले सकते हो कि काफ़ी अच्छी डील होने वाली है। एंड चलो फिर इसकी बात करते हैं कि इसका जो प्राइस है वो कितना होएगा। मेरे हिसाब से इसका जो अप्रॉक्सीमेटली प्राइस होने वाला है वो है 1,10,000 से लेके 1,20,000 के बीच में। जब इसके यहाँ पे बाई करने की ऑप्शन आ जाएगी तब मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा पक्का। एंड ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, कि जो भी A15 लवर्स हैं उनको पता ही होगा जिन्होंने पहले यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ A15, काफ़ी टाइम हो गया मुझे यूज़ करते हुए। तो फिर गाइस बस यार यही थी आज की वीडियो। आपने अगर अभी तक आप बने हुए वीडियो में तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।